लड़कियां सेक्स करने के लिए क्यों नहीं मानती हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैम मैं बहुत समय से उसको कन्विंस कर रहा हूं और मेरी इंटेंशन कहीं गलत नहीं है, बट वो क्यों फीलिंग में नहीं आती हैं, क्यों नहीं मानती हैं, कैसे कन्विंस करेंगे, चक्कर क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी ऑफ गर्ल्स पे आज बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपके जो ये रिलेशनशिप के ट्रिक्स हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें आपको क्लियर कर पाऊं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे लड़कियां क्यों कन्विंस नहीं होती हैं, ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि भाई उन्हें रोकती है। आई वॉन्ट टू बी क्लोज, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी क्लोज। जब हम साथ में होते हैं तो वो मुझे कुछ कुछ अलाव भी कर देती है, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो राजी नहीं हो रही, वो मुझसे पर्सनली मिल नहीं रही है, जाने इसके पीछे कारण क्या है। देखिए गर्ल्स है ना, इनका ये मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत डिफरेंट है। उन्हें बहुत बार जब तक यहां से तसल्ली नहीं आती ना, तब तक वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो ही नहीं पाती हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको बहुत बार लड़कियों, जैसे मैंने बोला भी है कि आप एप्रिशिएट करो, लड़की तभी पटेगी जब आप एप्रिशिएट करोगे, तो आपके जो वर्ड्स है ना वो उनके लिए अराउजल्स हो सकते हैं। जैसे आप उन्हें बोले आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत से लड़के इसे नेगेटिवली भी परसीव करते हैं, ठीक है, उसे टैंट्रम्स की तरह भी यूज करते हैं, ओके है, बट जितना आप उन्हें वर्ड्स से मेच्योर करोगे ना, उतना वो ज्यादा अराउजल, इरोटिक और आपके करीब महसूस करेंगे। आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए वो एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। अट्रैक्शन ना दो तरीके से आता है, या तो आई से अट्रैक्शन आता है, मतलब आप बहुत गुड लुकिंग लगते हो, आपकी बॉडी बहुत डिफरेंट है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सेक्सी और अट्रैक्टिव है, तो मे बी अ गर्ल वॉन्ट्स टू डू इट। अगर वो आपको, आप उसे नहीं भी अटैच कर रहे हो, आप उसको नहीं भी अप्रिशिएट करो, तो भी वो कर रही है। क्यों? क्योंकि जो आपकी अपेयरेंस है या जो उसकी आईज है वो उसे अट्रैक्ट कर रही है। दूसरा तरीका होता है आपकी लैंग्वेज। अब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं वो किसी ऐसे मेल से अट्रैक्टेड है जो देखने में बिल्कुल ही गंदा लगता है, या उसके पास जॉब भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह लड़की उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो वो स्किल है वो है उसकी लैंग्वेज, उसका जो वो बोल रहा है। क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है द वे यू टॉक टू देम, द वे यू रिस्पेक्ट देम। और जिस दिन ये देना शुरू कर दोगे ना, तो वो आपको उन्हें कन्विंस ही नहीं करना पड़ेगा, ही और शी डायरेक्टली उसके अंदर से आता है दैट दिस बॉय इज समथिंग फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू डू इट। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सेक्स करना नहीं चाहती या डरती हैं या ऐसे नहीं करती हैं, ये फीलिंग्स आपको लानी पड़ेंगी, तभी कोई ना कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। तीसरी बड़ी चीज होती है जो एक लड़की को मेल में अट्रैक्ट करती है, वो है मनी। आप बोलोगे मैम ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। फीमेल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेल जो सेटल्ड होता है। मनी की मैं बात नहीं करूंगी, ऐसे भी लड़के हैं जो कमाते कम है लेकिन अपनी बंदी पे खर्चते ज्यादा है, या ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो खर्चते नहीं है। तो मनी मैटर नहीं करता है, ठीक है। लड़कियों को परसीव किया जाता है कि गोल्ड डिगर होती हैं, ऐसे हम मेल्स को भी परसीव कर सकते हैं कि वो सेक्स डिगर होते हैं, लेकिन मनी इज ऑल्सो अ मैटर जहां आपको लगता है मेरी जॉब सेटल्ड है और ये सेटल्ड है, तो लड़कियां गेट अट्रैक्टेड, और ऐसे में वो आपको सेक्सुअल बेनिफिट्स लेने से भी मना नहीं करती हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आप उन्हें किस तरीके से और किस लेवल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन ओनली अ फीमेल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बॉय जो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, जो उसको कभी भी कोई सेंशुअल कमेंट्स नहीं देता है, जो उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा है, अपने टाइम के अनुसार उसे मिलने बुला रहा है। डेफिनेटली लड़कियां उसे कभी भी उसका सेक्सुअल मे बी अट्रैक्शन या इन्वॉल्व होने के लिए डेफिनेटली मना करती हैं। तो ये सब चीजें आपको करेक्ट करनी होंगी अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटिमेसी में जाना चाहते हैं, रादर देन ये बोलना मुझे बस प्यार है प्यार है प्यार है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आपको ये साइकोलॉजी ऑफ वुमेन पसंद आया है तो डेफिनेटली इसका पार्ट टू आएगा, विच इज साइकोलॉजी ऑफ मेन। अगर आप चाहते हैं सुनना है उसे कमेंट सेक्शन में लिंक भेजेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कनेक्ट करें डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।